तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस ही आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए सीखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में ये रेडॉक्स होता क्या है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टर्म इस रेडॉक्स रिलेटेड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। जनरली हम लोगों के पास एक टर्म होता है, देखिए सपोज मैंने कहा एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन, एक टर्म होता है आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, और दूसरा टर्म आपके पास होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जैसे जनरली क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने जैसे नेचर में देखा होगा, जैसे किसी माइल से जो है कोल का फॉर्मेशन करना है ना, या आपने देखा होगा बाहर आप जो है कोई आयरन का जो है कोई लोहे की एक छोटी सा जो है कोई भी चीज रख देते हो 2-3 दिन तक, उसके ऊपर से जो है ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है जो हम लोग बोलते हैं घर में जंग लगा हुआ है। तो मतलब जंग लगना भी एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, जो जंग होती है उस जंग को बोला जाता है, उसके ऊपर क्या है बच्चा, एक ऑक्सीजन की लेयर लगी हुई है, ठीक है ना। ये जो सारी प्रोसीजर है। दूसरी बात मैं आपको, बस किसी को जलाना, जैसे आप पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, एलपीजी यूज करते हैं जला रहे हैं, या आपने घरों में जो कोल होता है कोयला होता है जिसको चूल्हा जलाने के काम आता है उसको जला रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। मतलब कोयला जला के कोयला खत्म कर रहे हैं, एलपीजी जला के एलपीजी खत्म कर रहे हैं। मतलब अगर किसी चीज को खत्म करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है। किसी भी चीज को अगर खत्म करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि हम लोग, हमारे पास नेचर जनरली दो टर्म होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। जनरली बेसिकली मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे कोल को जलाना, पेट्रोल को जलाना या किसी हाइड्रोकार्बन को जलाना, ये सारी प्रोसीजर एक तरीके से क्या है बच्चा, एक ऑक्सीडेशन प्रोसीजर है। या आपको बताया मैंने कि लोहा होता है, लोहे को आप बाहर एटमोस्फेयर में रखोगे तो उसके ऊपर भूरे रंग का ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर। तो जब लोहे को, उसको हम घरों में क्या बोलते हैं, जिंक, जंग लग गया बोल देते हैं, तो उस लोहे पे जो जंग लगी हुई है, जो जंग की परत लगी, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली एंड द फाइनली आई वांट टू से दैट इफ एनीवन, इफ किसी भी चीज को आप खत्म करना चाहते हो, वी वांट टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग एनी सब्सटेंसेस, तो उसका ऑक्सीडेशन करवा दो, उसका ऑक्सीडेशन करवा दो तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और किसी को आप बचाना चाहते हो, लोहे उसको बचाना चाहते हो तो रिडक्शन करवा दो, है ना। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अलग अलग टर्म हो गए, अपोजिट टर्म है, एक दूसरे की अपोजिट टर्म है। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, केमिकल टर्मिनोलॉजी में आप ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे और रिडक्शन किसको बोलेंगे, ये दोनों के दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों बेसिकली अलग अलग टर्म है केमिकल लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी में। आप लोग किसको ऑक्सीडेशन बोलते हो और किसको रिडक्शन बोलते हो, ये दोनों अलग अलग टर्म है ना। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब हमने बताया कि भाई कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, उस प्रोसीजर को
बोला जाता है रेडॉक्स, मतलब एक ऐसी रिएक्शन अगर उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसीजर और रिडक्शन प्रोसीजर दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। कहने का मतलब ये हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मीनिंग हो गया, बेसिकली ए रिएक्शन इन विच, एक मिनट है, ठीक है ना, एक चलो। तो क्या कह रहे थे, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों होते हैं, इस कॉल्ड रेडॉक्स, उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाइए सर क्या कहना चाहते हैं। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इन द टर्म ऑफ द केमिकल साइंस, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन पर्टिकुलरली और हाउ टू डिफाइन रिडक्शन पर्टिकुलरली, दोनों के दोनों टर्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं, आइए एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूं। दिस इज द ऑक्सीडेशन, जैसा कि एज आई नो या एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीडेशन इज जस्ट लाइक ए किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आपने टेंथ में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को एड करोगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या इसको आप लोग बोलते हैं सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, और हाइड्रोजन को रिमूव करना भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है ना। या दूसरी बात बता देता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये कोई मैग्नीशियम का सॉलिड है, इसमें आप लोगों ने ऑक्सीजन को ऐड किया, अब ऑक्सीजन को जब ऐड करोगे तो ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, तो मतलब इस मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है, यहाँ पे इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सपोज मैंने दूसरा टर्म लिखता हूं जो अभी तक आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ा होगा, इसमें हम लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, समझ रहे हैं क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मेटल है, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, सपोज कोई एक मेटल है मैग्नीशियम ऑफ द सॉलिड, इस मैग्नीशियम से आप लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑफ टू पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैग्नीशियम ऑफ टू पॉजिटिव आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन आपने यहां से क्या किया, लॉस किया था ये, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो मैग्नीशियम का आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, समझ रहे हैं क्या। या देखो जरा, या मैंने कहा सोडियम से आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो सोडियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने सोडियम का भी क्या किया है बच्चा पार्टी, सोडियम का भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन कर लिया है। या मैं यहाँ पे लिखता हूं
सोडियम प्लस ओ टू प्लस ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे Na2O। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, ये सारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के बता रहा हूं मैं, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत आसान आता है, बस उस एक क्वेश्चन को भी आप ना छोड़ें, यही मैं आपसे, है ना। ये देखिए, सपोज आपने जिंक लिखा सर, जिंक प्लस ऑक्सीजन, तो इसको जिंक ऑक्साइड बना दिया, तो जिंक ऑक्साइड तो बनाया तो क्या हो गया बच्चा पार्टी, तो आप देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि सर जिंक के साथ ऑक्सीजन को ऐड किया हम लोगों ने, क्योंकि सर जिंक के साथ ऑक्सीजन को ऐड किया हम लोगों ने, तो इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चा पार्टी, जिंक ऑक्साइड बोल दिया। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो बहुत आराम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको ऑन द स्पॉट सब समझा दूंगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। पहले इसको थोड़ा ध्यान से देख लो सर ने क्या बताया, और फिर डाउट है फिर पूछो, और उसके बाद डाउट नहीं आता है तो मैं आप लोगों को रिडक्शन पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल है तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर, रिडक्शन किसको बोलते हैं वो तो समझाइए। मैं यहां पे लिखता हूं रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग, रिडक्शन एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, रिडक्शन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा रिडक्शन है। रिडक्शन किसको बोलते हैं, जो प्रोसीजर ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है उसको बोला जाता है रिडक्शन। तो बच्चा पार्टी, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या होता था, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था ना, एडिशन, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होना ही दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तीसरा मैं लिखूंगा जो हम लोग लिख रहे थे वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन से देखिए, जैसे मैंने कहा कि सर Na2O बना लीजिएगा, अब आपने क्या किया कि सोडियम Na तो ऐसा लिख दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं और सोडियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किया, सोडियम सेपरेट हो गया, तो सोडियम का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। या आप लोग यहाँ पे ऐसा लिखिएगा, सर दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इफ यू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस ऑक्साइड कंपाउंड यू विल गेट द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सेपरेटली यू विल गेट द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड दिस ओवरऑल प्रोसीजर इज नोन एज द, दिस ओवरऑल प्रोसीजर या ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों कि मैग्नीशियम का यहाँ से, मैग्नीशियम का इस रिएक्शन में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है,
मैग्नीशियम का इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। आइए वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन एक तरीके से ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिएक्शन है। तो जब सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते तो यहाँ पे माइनस लिखते, जाहिर सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम। सो इसको भी आप क्या बोलेंगे, सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन हुआ है। या यहाँ पे देखो बच्चों, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव लिखो, दो इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ही बनाएगा। या यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव में तीन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, दिस इज कॉल्ड है एल्यूमिनियम, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो है पार्ट ऑफ द रिडक्शन है। आराम से सोचिए, कहीं पे कोई भी डाउट अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो पूछने में वो झिझक ना लें, बिना किसी प्रॉब्लम्स के वो पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान रिएक्शन है और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं सब लोगों को ये आना चाहिए। देख लो, ठीक है ना। अब देखिए, अब पहली बात तो मैं आप लोगों को एक टर्म इसमें पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अब देखो, अब मैं एक चीज लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा सर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन पीबी ऑफ 4+ प्लस SN ऑफ 2 पॉजिटिव, दिस इज द लेड, पीबी इज कॉल्ड लेड एंड SN इज द टिन, टिन इक्वल टू, ये लिखूंगा SN ऑफ 2 पॉजिटिव, SN ऑफ 4 पॉजिटिव प्लस पीबी ऑफ 2 पॉजिटिव। ये एक बड़ी रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसमें से पहले तो आप लोगों को क्या लिखना होता है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ये इज दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है ना। अब आपको चेक करना है कि अगर इस रिएक्शन में दोनों के दोनों रिएक्शन हो रही होंगी, दोनों के दोनों प्रोसीजर अगर इस रिएक्शन में हो रही होगी, कहने का ये मीनिंग है ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शंस, बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द अबव रिएक्शन, है ना, इस ऊपर इस रिएक्शन मगर मिलती है, देन यू कैन से दिस रिएक्शन इज द रेडॉक्स। आइए चेक करते हैं। तो देखिए, लेड से लेड ही बनेगा, लेड से टिन तो नहीं बन जाएगा ना, लेड से तो लेड ही बनेगा प्यारे बच्चों, और टिन से क्या बनेगा, टिन बनेगा। अगर मैं कहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए, आई रिपीट माई पॉइंट, इफ यहां पे लिखता हूं, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्लिक चार्ज इंक्रीजेस, तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है ना। दूसरा लिखता हूं, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्लिक चार्ज, जरा ध्यान से पढ़िए इसको, डिक्रीजेस, तो आप बोलेंगे बच्चा पार्टी, इसको रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, है ना। अब देखिए यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, देखो लेड पे इधर कितना चार्ज बेटा, +4,
और लेड पे यहां चार्ज क्या हो गया प्यारे बच्चों, +2। क्या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट, जरा बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर तो सर डिक्रीज हुआ है, तो मतलब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मतलब चार्ज कम हुआ है ना, चार्ज डिक्रीज हुआ है तो रिडक्शन। और क्या ऊपर वाला दूसरा रिएक्शन, तीन का इधर क्या है +2 है, इधर क्या है +4 है, तो इंक्रीज हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो आप बोलेंगे सर जो आपने ये रिएक्शन लिखी हुई थी इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों प्रोसीजर एक साथ हो रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों प्रोसीजर एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए आप इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानोगे। इसलिए आप इस रिएक्शन को रेडॉक्स के नाम से जानोगे। बहुत गहराई से देख लो, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं नेचर में जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बड़ा टफ है। हमारे पास अलग अलग परऑक्साइड टाइप के कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। दुनिया में कोई भी कंपाउंड आपके पास नहीं बचेगा कि आप नहीं निकाल पाओगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया कि दुनिया में आप लोगों के पास कोई भी कंपाउंड नहीं बचेगा ठीक है ना, तो दुनिया में मैंने कहा कुछ कोई भी कंपाउंड नहीं बचेगा कि कैसे आप ऑक्सीडेशन निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन ये है, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखिए पहला रूल, रूल्स में लिखता हूं रूल इसके लिए, कुछ रूल आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, छोटी छोटे रूल को मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है। इन स्टैंडर्ड और मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ कंपाउंड, स्टेट ऑफ एलिमेंट, मैंने ये कहा कि स्टैंडर्ड और मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड और मॉलिक्यूलर स्टेट में हमेशा ऑलवेज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 मतलब 0 कैसे, देखो मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन क्या H2, अगर H2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, Cl2 की बात करेंगे 0, N2 की बात करेंगे 0 है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबका 0 होगा, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, सल्फर का 8 होता है, फास्फोरस का P4 होता है, ETC। कोई भी मॉलिक्यूल अपने, अगर इस मॉलिक्यूल कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा सेपरेटली अगर जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा क्या होता है 0। अब मान के चलो किसी कंपाउंड में दे दिया आपको, भूल गया कि जैसे मैंने कहा HNO3
या H2SO4। अब H2SO4 तो सल्फर के साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जीरो थोड़े ना होगा, क्योंकि सल्फर के साथ ऐड है, HNO3 इस नाइट्रोजन के साथ ऐड है। अब सिंगल H2 देता है अलग, किसी से नहीं जुड़ा, तो आप बोलेंगे सर इसका जीरो हो जाएगा, है ना? कहने का ये मीनिंग है कि अगर सपोज हाइड्रोजन किसी अदर एलिमेंट के साथ या मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कभी नहीं होगा। अगर वो सिंगल अपने अकेले अगर है कहीं पे, जैसे H2 कहीं अलग है, तो आप बोलेंगे सर उसका जीरो होगा। Cl2 कहीं अलग है तो उसका जीरो हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के साथ अटैच है तो जीरो कभी नहीं होगा, है ना? तो अगर किसी के साथ अटैच्ड है तो जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है ना? दूसरा यहां पे देखो, दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन सिंगल है तो उसके लिए +1 लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए आप लिखेंगे +2, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे -3, -2, -3, सॉरी, ठीक है ना? हेलोजन एक्स, एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सबके लिए क्या लिखोगे? -1 लिखोगे, है ना? देखो बच्चा, NO3, उसके बाद ये हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो जाएगा, और फिर आप जो है सिंगल सल्फर है तो इसके लिए -2 लिखोगे, है ना? सिंगल सल्फर है तो इसके लिए क्या लिखोगे? -2 आप लोग लिखोगे यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? दूसरा दूसरा रूल, फॉर पॉजिटिव और फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू देयर, विल बी इक्वल टू देयर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन चार्ज्ड आयन के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनके चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलिए मैंने कहा कि भाई O- का कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है बच्चा? माइनस चार्ज है ना? या मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने जैसे लिख दिया, जैसे आपके सामने लिखता हूँ NO3-, तो पूरा NO3- का कितना हो जाएगा? -1। CO3 2- का कितना हो जाएगा? -2। SO4 2- का कितना हो जाएगा? -2, है ना? जितना उस पे चार्ज है, अगर पहले से चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके चार्ज के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है ना? दूसरा मैं लिखता हूं, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब हो गया एल्केली और एल्केली एंड एल्केलाइन मेटल, एल्केली और एल्केलाइन मेटल, है ना? थर्ड नंबर का रूल में लिख रहा हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट में एल्केली और एल्केलाइन मेटल। तो एक तो आपका ग्रुप फर्स्ट होता था, दूसरा क्या होता था बच्चा पार्टी? ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में क्या क्या था? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड द सीजियम। और ग्रुप सेकंड में क्या आता था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना? अच्छा ठीक, इसी के बराबर है, ऐसे कैल्शियम हो गया, तो इस ग्रुप फर्स्ट के लिए +1 आपको लेना है, और इस ग्रुप सेकंड के लिए आपको कितना लेना है? +2 लेना है, ठीक है ना? जहां पे अगर कहीं पे ग्रुप फर्स्ट आता है, जैसे मैंने लिखा Na, तो सोडियम के लिए कितना लिखोगे आप? +1 लिखोगे। अब मैंने लिखा कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए कितना लिखोगे? +2, है ना? तो ऐसे आपको ये चार्ज रखना है, ये एल्केली मेटल है, ये अलग टाइप के मेटल है,
ठीक है, नोट करो बच्चा पार्टी इसको, और कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछ सकते हैं कि सर इसका कैसे होगा। कर लोगे? देखो पहले आराम से यार, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आराम से पहले इसको देखो। पूछो तो। चलिए ठीक है ना? अब चलिए आप इतना तो समझ गए होंगे कि सर किसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? जैसे साइनाइड के लिए भी लिख लीजिएगा, साइनाइड के लिए भी आप चाहें तो लिखना चाहते हैं तो CN के लिए आप जो है -1 लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, साइनाइड CN साइनाइड को बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको। हमारे पास ऑक्सीजन जनरली 3 टाइप के ऑक्सीजन होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन हमारे पास जनरली 3 टाइप के ऑक्सीजन होते हैं। एक ऑक्सीजन आपका होता है ऑक्साइड, दूसरा आपका होता है सुपर ऑक्साइड, तीसरा आपके पास होता है पर ऑक्साइड। एक आपके पास ऑक्साइड, जब ऑक्साइड होगा तो उसका -2 लगेगा, अभी आपको लिखा था, सुपर ऑक्साइड का -1 लगेगा, और पर ऑक्साइड का, देखिए पर ऑक्साइड का भी आपका -1 लगेगा। इसको फिलहाल भूल जाइए, इसको फिलहाल याद करिए। पर ऑक्साइड ऐसा होता है, देखिए पर ऑक्साइड ऐसा बॉन्ड जहां पे होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जहां पे होगा, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो लिखा होगा, जैसे आपने सुना होगा सोडियम पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना? ये सारे के सारे पर ऑक्साइड कंपाउंड, जहां पे पर ऑक्साइड नाम आ गया तो आप समझ जाइए यहाँ पे ऐसा बॉन्ड होगा। तो कैसे लेते हैं, एक ऑक्सीजन का जनरली, सिंगल ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है बेटा, -2 होता है, इसको फिलहाल भूल जाइए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, है ना? ऑक्सीजन का -2 होता है। अब देखो ये परऑक्साइड बॉन्ड है तो यहाँ पे एक माइनस इसका होगा, दूसरा माइनस इसका होगा, तो दो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए था, वैसे दो ऑक्सीजन का -2 इजिकल टू कितना होना चाहिए था, -4 होना चाहिए था ना दो ऑक्सीजन का,
जब एक ऑक्सीजन का -2 है तो दो ऑक्सीजन का माइनस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक सिंगल ऑक्सीजन का -1 चार्ज होता है, दूसरे का भी -1 होता है, क्योंकि ये एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है। ये पर ऑक्साइड बॉन्ड को पहचानने के लिए मैं अलग से नए टाइप के कंपाउंड की स्टडी आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको ऑनली नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग ऑनली इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया है। चलिए एक बात और बताता हूं, हाइड्रोजन इन हाइड्राइड स्टेट, हाइड्रोजन इन हाइड्राइड स्टेट। अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है ये सब क्या है ना। तो मतलब H- होता है, इसका होता है -1। जहां कहीं भी H- दिखेगा तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का मीनिंग हो गया कि -1 चार्ज वाला हाइड्रोजन है। लेकिन जनरली हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। जनरली हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, इसलिए आप लोग उसको जो है H+1 का कंट्रीब्यूशन आप देते हैं। लेकिन इफ हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड, अगर हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड के फॉर्म में दिया होगा, हाइड्राइड के फॉर्म में दिया होगा, तो आप लोगों को वहां पे -1 देना है। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आइए कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं किसका क्या होता है। ठीक है ना, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी तक जो मैंने रूल बताया था वो आपको याद होने चाहिए। सपोज मान के चलो मैंने आप लोगों को बताया HNO3, HNO3। अब इसमें आपको बोलता हूँ इस नाइट्रोजन का निकालो। ये देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया एक कंपाउंड हमारे पास HNO3 है, इसमें आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का कितना होता है +1, प्लस लिखेंगे। नाइट्रोजन का निकालना है तो एक्स इसको लिखो, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 × 1, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो कितना हो जाएगा +1 प्लस एक्स -6, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। पर ऑक्साइड वाला मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा, फिलहाल मैं सिंपल ऑक्सीजन के एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो देखो ये एक तो ये हो गया, है ना, इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखो, इक्वल टू 0 लिखो, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। देख दूसरा एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया HCl में क्लोरीन का निकालो भाई, HCl में क्लोरीन का निकालो, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, तो एक क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इधर देखो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। CO2 में कार्बन का निकालिए, तो क्या लिखेंगे X+2 × -2 = 0, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +4।
कर लोगे क्या? देखो तो या एक और देखिए, H2SO4 में सल्फर का निकालते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो कैसे लिखेंगे? 2 × 1 हाइड्रोजन का +1 होता है सल्फर प्लस एक्स प्लस 4 × -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। ओवरऑल ये ऐड करके पूरा कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। नोट कर लो, अच्छे से देख लो, किसी भी अगर एग्जाम्पल में डाउट आता है तो पूछो। अरे क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देते हैं सॉल्व करने को, ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल आप जो है सॉल्व कर के देखिए। कुछ एग्जाम्पल अब आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, तब आगे बढ़ते हैं। मैं जिसके ऊपर डैश करूंगा अंडरलाइन, मतलब जिसको लाइन में रखूंगा, तो उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। पहला आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है CH4, दूसरा है NH3, तीसरा है SO3, चौथा है, पांचवा है। जरा करो बच्चा इसको।
ठीक है ना, नोट करो भाई इसको। NH2 निकालो तो एक एक करके। निकालो बेटा जरा एक एक करके निकालो तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व करो तो। हाँ एक एक करके सभी के लिखो। गुड। एक एक करके निकालिए। वेरी वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको आज का लेक्चर नहीं आया ना, क्योंकि ये फिर अगला लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक है। एक काम करो, सबके एक साथ निकाल के लिखो, है ना। हाँ सभी का एक साथ निकाल के लिखो।
गुड, सभी लोग दो, गुड गुड। हाँ जरा जल्दी निकालो यार, बिल्कुल जैसे रिद्धि ने निकाला है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। अभी ठक्कर ने भी गुड बहुत अच्छे से दिया है। ये बहुत आसान है यार, इसलिए मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको करो। हाँ अगर नहीं कर पाते स्टूडेंट, अगर नहीं करने वाला होता मैं खुद करता उसको, फिर तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको सब करिए भाई।
सब लोग दो यार आंसर, अच्छे से दो, ये तो बहुत आसान है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। करो ठीक है, चलिए मैं ही कुछ कर देता हूं, जरा देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कार्बन का आप लोगों ने अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। कार्बन के लिए एक्स प्लस फोर इंटू प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू कितना आ रहा होगा, माइनस ऑफ फोर। यहाँ पे कितना आ रहा होगा, एक्स प्लस थ्री इंटू प्लस वन इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री, है ना, कुछ ऐसा आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। सल्फर के लिए देखो एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स। देख लीजिएगा आराम से अपने आंसर को। एसओ टू को देखिए, एक्स प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो फाइनली एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपने आंसर को। क्लोरीन का निकालना है तो एक्स प्लस सोडियम का प्लस वन होता है इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। क्लोरीन के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही होगी माइनस टू, है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही होगी, देखो पोटेशियम का कितना होता है प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू, फाइनली एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव आ रहा होगा। देख लीजिए, थ्री टू जस्ट सिक्स प्लस फाइव। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। यहां पे देखो एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस वन इज एक्स इक्वल टू फाइनली आ जाएगा प्लस ऑफ थ्री। यहां पे देखिए एक्स इज इक्वल टू फाइनली आएगा प्लस ऑफ थ्री। यहां पे देखो एनएच टू एनएच टू, तो एन एच टू का मतलब दोनों दोनों नाइट्रोजन है, तो टू एक्स लिखेंगे, टू एक्स प्लस फोर। फोर क्यों, दो दो हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है ना, इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर बाई टू इज इक्वल टू। नोट कर लो बच्चा पार्टी, इसको कौन सा समझ में नहीं आया अब उसका नाम बताओ, कौन से नंबर का समझ में नहीं आया, मैं एक एक करके समझाऊ। जो आपको समझ में नहीं आया है आप बताओ, मैं एक एक करके उसको समझाता। सारे आगे क्या एनएच टू वाले में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। एनएच टू वाले में किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे कर दिया आपने। आइए कुछ नए टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं। सपोज एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखिए सपोज आपके पास है K2FeSO4 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान के चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं मैं इसको। K2FeSO4। अब देखो आपसे कहता है कि जो है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ठीक है, कैसे इसको निकालते हैं मैं आप
अब SO4 पूरा अगर इसके साथ ऐसे लिखा हुआ है तो इस SO4 का मैंने आपको बताया था -2 लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं SO4। SO4 को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखो 2 × +1 ये हो जाएगा, प्लस ये काय के लिए हो जाएगा एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा -2। बोला था ना ब्रैकेट में अगर है तो ये -2 लेना है। SO4 का बोला था ना -2 इक्वल टू कितना बोलेंगे इसको, 3, 0 बोल देंगे। तो ये हो जाएगा +3 − 2 + x = 0, और x इजिकल टू कितना हो जाएगा, x इजिकल टू -1, ऐसा होगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसा है K2FeSO4 तो सर इसका क्या होगा। अब ये ब्रैकेट में नहीं है, इधर ये ब्रैकेट में है इधर नहीं है, तो इसका अलग निकालना पड़ेगा। आया देखो 2 × +1, अरे सॉरी टू इंटू प्लस वन था ना ये, समझ गए होंगे आप, मैंने यहाँ 2 × +1 है। इधर देखो 2 × +1 ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 × +1 प्लस आयरन का लिखिए एक्स प्लस सल्फर। अब सल्फर का मैंने आपको बताया था -2 होता है, प्लस होगा 4 × -2 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 + x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 और -10, तो एक्स इजिकल टू ओवरऑल ये प्लस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा फाइनल आंसर। देख लो मतलब अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो पूरा सल्फर का अलग लिखना पड़ेगा। ये सल्फर के लिए लिखा है, अब ये ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है, सल्फर का अलग निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन का अलग लिखेंगे तब ऐसा निकालेंगे। और अगर लिखा हुआ है, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ऐसे लिखेंगे आप, नोट कर लो इसको, एक नई बात मैंने आपको बता दी। कर लोगे अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, कर लोगे आप लोग। चलिए हो जाएगा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। अब जैसे यहां पे एक टर्म में लिखा हुआ है, देखो बच्चा एक और नया टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको समझा। जैसे यहां पे एक टर्म लिखा है PbNO3 2, है ना। अब देखो इधर जरा ध्यान से देखिए, NO3 कहाँ है बेटा, ब्रैकेट के अंदर है। तो मैंने एक NO3 माइनस ऐसा होता है जिसको मैंने बोला था -1 होगा, NO3 का -1 ही होता है। तो देखो लेड को इसका निकालना है, तो x +2 × -1 = 0 और x इजिकल टू कितना हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, +2 हो जाएगा, x इजिकल टू +2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए Na2SO4, तो Na2SO4 में सल्फर का अगर निकालना है तो देखिए 2 × +1 + x
प्लस फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो प्लस टू प्लस एक्स माइनस ऑफ एट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ सिक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का एक फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चा पार्टी, कर लोगे आप लोग, देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कुछ डाउट है पूछो यार, तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे प्यारे बच्चों, क्या हो गया आज आप सब सोए सोए से हो क्या? क्या सब सो गए हैं? ठीक है ना, चलिए एक दो आप लोगों को निकालना है, एक दो आप लोग यहीं पे सॉल्व कर दीजिएगा, देन फाइनल हो जाएगा। देखिए एक दो एग्जांपल और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखिए, और उसके बाद हम अलग टाइप के मॉलिक्यूल की स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, देखिए पहला मैं लिखता हूँ, आप लोग करिए KClO3, Cl का निकालिए। दूसरा मैं लिखता हूँ KMnO4, Mn का निकालिए। तीसरा मैं लिखता हूँ Cr2O7, 2 माइनस में Cr का निकालिए। चौथा मैं लिखता हूँ MnO4 माइनस में Mn का निकालिए, है ना, जरा निकाल के दिखाओ भाई। हो गया क्या? कर लो,
अरे कुछ हुआ? ठीक है, चलिए मैं ही कर देता हूँ, फिर क्लास को एंड कर देते हैं बेटा, है ना? मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। +1 + x + 3 - -2 = 0 हो जाएगा, सो x = +1 3 2 = 6 + 5। यही आया क्या? बिल्कुल, इसका हो जाएगा पोटेशियम का +1 x + 4 - -2 = 0। x = 4 2 = 8 और उधर जाके +7। इसका आएगा 2x+, क्योंकि 2 Cr है तो 2x + 7 - -2 = अब 0 नहीं लिखेंगे, ऊपर चार्ज कितना है? -2 है, तो 2x = -2 + 14, तो x = क्या कितना हो जाएगा बच्चा? 12/2 = 6, है ना? उधर माइनस है तो आप 0 नहीं लिखेंगे बल्कि -2 लिखेंगे, तो सेम यहां भी हो जाएगा। x + 4 - -2 = -1, तो x = -1, ये पीछे जाके प्लस हो जाएगा +8, तो x = कितना आएगा फाइनली? दिस इज द 7। नोट करो इसको, कहीं पे डाउट है तो पूछो, फिर क्लास हो गया, टाइम रख रहा हूं मैं। आज का टाइम हो गया है, सो जल्दी से कर लें आप लोग, कोई डाउट है तो पूछे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर एक बार, और ठीक है ना?